घर कट गया, भैंस भी बह गई, सामान से भरी नाव डूब गई, खाने को कुछ नहीं बचा है, कोई देखने नहीं आया, कोई मदद नहीं मिली। मैं बात उन पीड़ितों की कर रही हूँ जिन्होंने बिहार की बाढ़ में अपना घर द्वार, खेत और पशु सब कुछ गवा दिए, सब कुछ खो दिया। बात उन महिलाओं की भी करूंगी जिन्होंने अपना दर्द दुख बयां किया है। बिहार के कटिहार के वो लोग हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं और सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। दुख, दर्द, पीड़ा, अब अगर आप इन बाढ़ पीड़िता महिलाओं को सुनोगे तो आपका कलेजा जरूर फट जाएगा। इनका दावा है कि 3 कट्ठा जमीन पर बना उनका 16 कमरों वाला घर बुभौल गांव में बाढ़ के पानी में बह गया, जहां रविवार रात दरभंगा के कीरतपुर प्रखंड में पश्चिमी कोसी तटबंध टूट गया था। वहीं कोसी नदी की बाढ़ ने न केवल घर बार उजाड़ा बल्कि कई अरमानों को भी बहा ले गई। इस आपदा के बाद कई बेटियों की शादी का मंडप फिलहाल नहीं सज पाएगा, इनकी डोली उठने की खुशी मायूसी में बदल चुकी है। जितना लकड़ी पकड़ी घर द्वार सब चीज घर कट गया, वो घर कट गया, सारा घर कट गया, पता नहीं कहाँ से यहाँ दार चला, यहाँ अपनी बेगोरिया से उपट के यहाँ आएगा। नाव डूब गया, नाव पे सामान ले जा रहे थे, नाव डूब गया, सारे चीज बुड़ गया, सारे चीज भैंस थे सब चला गया। अभी तक कोई स्टाफ नहीं आया, देखने नहीं आया। यही नहीं, इन हालातों को बाढ़ ने पिता की जमा पूंजी और फसलों को भी बहा दिया। इन हालात में केदली, बकुनिया, हाटी आदि गांव की करीब 1 दर्जन बेटियों की शादी पर ग्रहण लग गया है। इन गांवों में नवंबर में कई लड़कियों की शादी होनी थी, वहीं तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन बाढ़ ने अरमानों पर पानी फेर दिया। कुछ बीघा जमीन पर एक पूरे परिवार का खर्च भी चलता है। बेटी की शादी तय होने के बाद बड़े अरमान से खेतों में फसल लगवाई थी, फसल बेचकर जो पैसे मिलते उनमें से कुछ शादी में भी इस्तेमाल किया जाता। कोसी की उफान में पीड़ित की पूरी फसल बर्बाद हो गई। पीड़ित ने यह भी बताया कि इस लगन में तो बेटी की डोली नहीं उठ सकती। यहाँ तक पता तो ये भी चला कि बांध पर अब स्थायी रूप से रह रही कुछ महिलाओं ने ये भी बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कोई रिश्ता तय करने के लिए तैयार तक नहीं होता है। इन गांवों में आने जाने में भी परेशानी होती है। वहीं बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाके सहरसा में जब सांसद पप्पू यादव पहुंचे तो स्थानीय जनता ने बताया कि हम 3 दिनों से भूखे हैं और सरकार ने अब तक कोई मदद नहीं की है। 3 दिन पहले से एक गाड़ी का माटा खाती कत्ते लोग पड़बी के लिए दियो, हमारा साधन बीमार एक गाड़ी माटा खाती। आपका घर किधर था? यहाँ से घर है यही मकान पर। यहाँ 2 मंजिला मकान था? ना, 2 मंजिला एक मकान। हाँ, हाँ। पूरा भस गया, पूरा 16 रूम का मकान। हाँ। अच्छा, जो वीडियो में जो देखे का मकान है ना। अच्छा, 3 कट्ठा मकान। तो फिलहाल के लिए बिहार की बाढ़ को लेकर ये बड़ा अपडेट है, जहां पर कुछ पीड़ितों की बाइट सामने आई है, उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। पूरी रिपोर्ट देखिए और अपनी राय भी जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। व्हाट डज हरियाणा'स यूथ वांट? व्हाट्स द पॉलिटिकल मूड ऑफ द रीजन? विल दीज असेंबली इलेक्शंस correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP? Or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.